राम राम भाई, जय श्री श्याम। राजा तो बना दे रंग और रंग तो बना दे राजा। जिंदगी में जिसके दुख लिख रखे हो, मात्र एक दर्शन थे बाबा श्याम के, उसकी जिंदगी तभी संकट कट जाए, वे हमारे बाबा श्याम। तो भाई, बाबा श्याम की पूरी कहानी जानने के लिए बरबरीक से श्याम बाबा कैसे बने, कहाँ निवास करते हैं, किसके पुत्र थे, सभी इस वीडियो में जानकारी मिलेगी आपको। और तो बने रहिएगा। और भाई, बाबा श्याम का असली नाम है बरबरीक। और भाई, बरबरीक पुत्र थे घटोत्कच के, और घटोत्कच पुत्र थे राक्षसी इडिम्बा और भीम के। भाई, बरबरीक एक दुनिया के बहुत ही शक्तिशाली धनुर्धर थे, जो कि अपने तीन बाण से पूरे महाभारत युद्ध को ख़त्म कर सकते थे। जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ तो बाबा ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। तो उनकी माँ ने परमिशन दे दी और बोला कि बेटा, जो भी पक्ष हार रहा होगा तुम उसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे। तभी वहाँ से उनका नाम पड़ा था हारे का सहारा, कि जो भी मतलब हार के बाबा के दर पे जाएगा तो वो अपने दुखों से निवारण पाएगा। तो फिर बाबा ने ऐलान कर दिया था कि मतलब युद्ध में जो भी पक्ष हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। तभी कृष्ण भगवान ने मतलब एक लीला रची और बाबा श्याम से बोला कि मैं तुम्हें वीर योद्धा, महान योद्धा तभी मानूंगा जब तुम एक पेड़ से सारे पत्ते छेद दोगे। मतलब वो पेड़ के नीचे लेके गए थे और एक पेड़ एक तीर से सारे पत्ते छेद दोगे। तो बाबा श्याम ने एक तीर निकाला और तीर छोड़ दिया। वो एक एक करके जब सारे पत्ते छेद रहा था तीर, तो एक पत्ता नीचे आके गिर गया। तो कृष्ण भगवान ने उस पत्ते पर पैर रख लिया था और सारे जब पत्ते पेड़ के छिद गए तो वो पेड़ के भाई आज भी पत्ते सारे छिदे ही हैं और छिदे ही निकलते हैं। और बाबा जब वो सारे पत्ते छेद के जब कृष्ण भगवान के पैर के नीचे जो पत्ता था उनके ऊपर तीर आके घूमने लगा, तो बाबा श्याम ने बोला, प्रभु मैंने पत्ते छेदने का तीर छोड़ा था, मैं आपके पैर को नहीं, तो पैर हटा लीजिए। तो भाई, ये थी बाबा श्याम की ताकत। तभी उनको दुनिया का सबसे शक्तिशाली धनुर्धर और तीन बाणधारी इसीलिए बोला जाता भाई, क्योंकि वे तीन बाण थे जो पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते थे, कौरव पांडव को समाप्त कर सकते थे। तो और इस प्रकार भाई कृष्ण भगवान समझ गए कि बरबरीक बहुत शक्तिशाली है और वो चिंतित हो गए। और उन्होंने फिर एक लीला रची। अगले दिन भाई वो भिक्षु के रूप में बरबरीक के सामने गए और भिक्षा मांगने लगे। तो बरबरीक ने कहा कि बोलिए पंडित जी, क्या दान चाहिए। तो कृष्ण भगवान भाई अपना लीला रच के गए थे, तो वो बोले कि बेटा, आप जो मैं मांगने वाला हूँ आप नहीं दे पाओगे। तो बरबरीक ने कहा, नहीं पंडित जी, आप मांगो क्या चाहिए। कृष्ण भगवान ने मना कर दिया कि बेटा नहीं दे पाओगे आप। तो बरबरीक ने कहा कि पंडित जी, आप अगर मेरा शीश भी दान में मांगोगे तो मैं वो भी दे दूंगा। भगवान कृष्ण का जो लीला रची थी वो कामयाब हुई और वही कृष्ण भगवान ने उनका शीश ही मांग लिया। तो बाबा पहले ही वचन दे चुके थे तो उन्होंने बिना समय गवाए अपना शीश दान में दे दिया। वहीं से भाई नाम पड़ा शीश के दानी की जय। और भाई फिर बरबरीक ने बोला कि पंडित जी आप हैं कौन, आप अपने असली रूप में आए। तभी भाई पंडित जी अपने असली रूप में आए कृष्ण भगवान के। और बरबरीक ने बोला कि बाबा मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ अपनी आँखों से। तो कृष्ण भगवान ने बाबा का शीश लिया और एक ऊँचे स्थान पर रख दिया। वहीं से बरबरीक ने पूरा युद्ध देखा था भाई। बरबरीक से खाटू श्याम, बाबा श्याम कैसे बने। तो भाई जब पूरा महाभारत का युद्ध ख़त्म हो गया तो पांडवों की विजय का श्रेय लेने लगे, जैसे कि मैंने जी मेरी वजह से जीतू, ये मेरी वजह से। तो सभी पांडव वहाँ गए कृष्ण भगवान के पास और बोला कृष्ण भगवान को कि भगवान कृष्ण किसकी वजह से जीत हुई है। तो भाई कृष्ण भगवान ने बोला कि मेरे को भी नहीं पता, इसका फैसला तो एक ही आदमी कर सकता है, वो है बरबरीक जिसने पूरा युद्ध देखा है। तो भगवान कृष्ण उनको अरावली की पहाड़ियों पर ले गए जहाँ पे बाबा श्याम का शीश रखा हुआ था। तो वहाँ जाके कृष्ण भगवान ने बरबरीक से पूछा, तो बरबरीक ने सिर्फ इतना बोला कि मेरे को तो पूरे युद्ध में बस एक ही चीज़ दिख रही थी, जो कि कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र, जो कि योद्धाओं के सर ऐसे काट रहा था भाई जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हो, और दूसरा था द्रौपदी महाकाली के रूप में जो कि रक्त ग्रहण कर रही थी सबका। तो भाई इससे भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और श्याम बाबा को भाई अपना वचन दिया कि कलयुग में भाई तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, श्याम नाम से, तुम्हारे दर्शन मात्र से मोक्ष और अपना जैसे दुखों का निवारण भाई सभी चीज़ों से अपना इंसान की ज़िंदगी से दुख हट जाएगा। और कलयुग में भाई कलयुग का देव कहा जाता है श्याम बाबा को। तो भाई इस वजह से बरबरीक को श्याम बाबा के नाम से पूजा जाने लगा। और भाई बात यह है कि मतलब बाबा का मंदिर है कहाँ और किसने निर्माण करवाया,
तो बाबा का मंदिर है भाई राजस्थान के जयपुर के सीकर जिले में खाटू गांव में स्थित है, जो कि भाई बाबा का मंदिर का निर्माण 1027 ईस्वी में हुआ था, जो कि रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी निर्मला कंवर ने करवाया था। कहते हैं भाई मतलब बाबा श्याम को कलयुग का देव कहते हैं, कलयुग का भगवान कहते हैं, और महाभारत के युद्ध के बाद बाबा का शीश को खाटू में दफन कर दिया था मतलब। और भाई कहते हैं कि मतलब निर्मला कंवर जी को, जो रूप सिंह चौहान जी की पत्नी थी, उनको सपना आया था भाई कि बाबा का यहाँ शीश है तो उसे निकाल कर उस वहाँ पे मंदिर बनवाने का खाटू में। तो भाई उन्होंने जब ये अपना सपना रूप सिंह चौहान जी को बताया तो उन्होंने फिर वहाँ की खुदाई करवाई और फिर वहाँ मंदिर बनवाया। और ये भी कहते हैं भाई कि जब कलयुग शुरू हो रहा था, कलयुग शुरू होने के बाद एक गाय गई वहाँ पे, और वहाँ पे गाय जाने के बाद उसका अपने आप दूध निकलने लगा। तो ये सब देख के भाई हैरान हो गए थे सभी लोग। फिर वहाँ स्थानीय लोगों ने अपना खुदाई की, खुदाई में बाबा का शीश मिला। तो बाबा का शीश मिलते ही भाई लोगों ने पंडित जी को दे दिया था। पंडित जी ने भाई काफ़ी टाइम तक उसकी पूजा की, और भाई उस टाइम पे राजा थे वहाँ के खाटू के रूप सिंह चौहान। तो भाई उनको सपना आया था कि बाबा ने उनको प्रेरित किया कि मेरा मंदिर बनवाने के लिए। तो फिर भाई उन्होंने उस टाइम पे 1027 ईस्वी में खाटू में बाबा के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये थी भाई बाबा के शीशदान की कहानी, बरबरीक से श्याम बाबा बनने की कहानी, और मंदिर है कहाँ, निर्माण किसने करवाया। तो भाई और ये भी है कि मंदिर जाएँ कैसे, सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन कौन सा है, एयरपोर्ट कौन सा है। तो भाई मैं भी जा रहा हूँ वहीं, तो आप मेरे व्लॉग्स देख सकते हैं। बाकी मंदिर जाएँ कैसे, तो भाई आपको सबसे पहले रिंगस जाना पड़ेगा। आप बस से भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो, रिंगस रेलवे स्टेशन है। और भाई अगर आपको एयरपोर्ट से जाना है तो आपको सबसे नज़दीक जो एयरपोर्ट पड़ेगा वो पड़ेगा जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अगर आपको धरती से स्वर्ग की यात्रा करनी है, जो कि मैं खुद करूँगा बाबा श्याम की कृपा रही, तो अगर आपको धरती से स्वर्ग की यात्रा करनी है तो आप रिंगस से पैदल निशान उठाएं बाबा का और खाटू श्याम जी जाएँ। वो करीबन 20 से 22 किलोमीटर पड़ता है। और भाई आपको अगर टैक्सी वगैरह से जाना है तो वो आप रिंगस से या फिर जयपुर से, अपना जो भी है, रिंगस से तो 50 रुपये किराया लगता है। ये थी भाई कुछ बेसिक जानकारी। बाकी आप मेरे व्लॉग्स देख लेना इसी चैनल पे वेदी व्लॉग्स के नाम से। तो भाई फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। मतलब आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब योर चैनल वेदी व्लॉग्स, कमेंट कर देना जय श्री श्याम का, और भाई व्लॉग्स देख लेना बाबा श्याम के। जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक भाई मैं खाटू श्याम जी जा चुका हूँगा। तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। नमस्कार, जय श्री श्याम।